हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लॉजिक पाठशाला। क्लासिक्स का हम जो चैप्टर नंबर 3 कर रहे थे, हमने 3.2 के एक्सरसाइज में फोर्थ क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम उसका फिफ्थ क्वेश्चन से आगे बढ़ के पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कहा है, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10। पहले तो आपका क्या काम है, 1 और 10 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो लिख लीजिए। ठीक है, कौन कौन से प्राइम नंबर्स आएंगे 1 और 10 के बीच में? आएगा पहला 2, 3, 5 एंड 7। तो ये 4 नंबर्स आएंगे। अब हमें कौन सा पूछा है, ग्रेटेस्ट पूछा है, तो इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है, 7। तो 7 इज़ अ ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर। ठीक है, तो हो गया ना। बस आपको क्या करना था, पहले 1 to 10 तक आपको सारे प्राइम नंबर लिखने थे, उसमें से जो सबसे बड़ा प्राइम नंबर था हमें वो बताना था। तो उसके बाद हमने सबसे बड़ा प्राइम नंबर, उसमें से कौन सा आया हमारा, 7 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ 2 ऑड प्राइम। मतलब हमें जो नीचे दिए गए क्वेश्चन हैं उसमें हमें ऐसे 2 ऑड प्राइम नंबर्स बताने हैं जिनको प्लस करके 44 आए। देखिए, ऑड भी होना चाहिए और वो प्राइम भी होना चाहिए। ऑड का मतलब वो 2 से डिवाइड नहीं होगा और प्राइम का मतलब उसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होंगे। ठीक है, उन दोनों को प्लस करके हमारा 44 आना चाहिए। तो फर्स्ट 44 कैसे आ सकता है, अगर मैं एक नंबर ले लूँ 37, दूसरा नंबर ले लूँ 7। 37 देखिए ऑड भी है प्राइम भी है, 7 भी ऑड भी है प्राइम भी है। इन दोनों को जब भी हम प्लस करते हैं तो कितना आता है, 44 आता है। आप कोई भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि 37 और 7 ही ले। अगर आपके माइंड में कोई और भी नंबर आ रहा है तो आप वो भी ले सकते हैं, बट इस बात का ध्यान रखिएगा वो ऑड और प्राइम दोनों होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट 36 के लिए हम क्या लेते हैं, एक नंबर ले लेती हूँ मैं 31, दूसरा ले लेती हूँ 5। इन दोनों को प्लस करते कितना आ जाएगा, 36। तो दोनों हमारे पास ऑड प्राइम नंबर्स हैं। 24 के लिए क्या लेते हैं हम, 19 ले लेते हैं, दूसरा ले लेते हैं 5। इन दोनों को प्लस करके कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। नेक्स्ट 18 के लिए हम क्या लेते हैं, मैं ले लेती हूँ 11 और दूसरा ले लेती हूँ 7। तो 11 और 7 को प्लस करते कितना आ जाएगा, 18। देखिए चारों क्वेश्चन, चारों पार्ट में हमने क्या किया है, जितने भी हमने नंबर्स लिए हैं वो सब ऑड भी हैं और प्राइम भी है। अगर आप इवन ले लेंगे या फिर कोई कंपोजिट ले लेंगे लेकिन ऑड है तो इससे गलत हो जाएगा। आपके दोनों नंबर्स जो होने चाहिए वो ऑड और प्राइम्स दोनों होना चाहिए उसमें क्वालिटी। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं हम, सेवन्थ में क्या बोला है, सेवन्थ पार्ट पढ़ते हैं हम, गिव 3 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स हूज डिफरेंस इज 2। हमें ऐसे 3 पेयर बतानी है प्राइम नंबर्स की, ठीक है, जिनका डिफरेंस मतलब जिनको माइनस करके क्या आए, 2 आए। तो देखिए हमारे जो 2 नंबर्स होंगे पेयर में वो दोनों प्राइम होंगे। यहाँ पे इवन और ऑड की कोई बात नहीं कही गई, सिर्फ किसकी बात करी गई है, प्राइम नंबर्स की बात करी गई। तो देखिए पहला मैं ले लेती हूँ पेयर, कौन सा लेती हूँ, 3 और 5 का पेयर ले लेती हूँ। ठीक है, अब आपको पता है 3 भी प्राइम नंबर है और 5 भी प्राइम नंबर है। जब मैं इनका डिफरेंस करती हूँ मतलब 5 में से 3 माइनस करती हूँ तो क्या आ जाता है मेरा, 2। यही बोला गया है। दूसरा मैं ले लेती हूँ, कौन सा ले दूसरा, हम 7 और 5 भी ले सकते हैं। ठीक है, क्या मतलब, 5 और 7 भी ले सकते हैं। देखिए दोनों हमारे पास क्या है, दोनों प्राइम नंबर से, और अगर मैं 7 में से 5 माइनस करूँ तो क्या आएगा, 2 आएगा। और ले लीजिए कोई, 19 और 17 ले लीजिए इस तरीके से, जैसे 17 ले लिया और 19 ले लिया, ये भी तो दोनों प्राइम नंबर्स हैं और इन दोनों को जब भी हम माइनस करेंगे कितना आएगा, हमारे पास 2 आएगा। तो आप ऐसे कोई भी नंबर ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है यही लेना है। ठीक है, तो आप ऐसा कोई भी नंबर ले लीजिए जिसका डिफरेंस करके क्या आए, 2 आए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम। इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा नंबर प्राइम है, तो प्राइम तो वही नंबर होगा जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होंगे, कौन से, 1 और वो इटसेल्फ खुद। तो 23 के देखिए फैक्टर जब भी हम करेंगे तो या तो 1 आएगा या फिर 23 ही आएगा, इसके अलावा 23 का कोई फैक्टर नहीं आएगा। इट मीन्स ए ऑप्शन हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। 51 क्या, मतलब फैक्टर्स करते हैं तो 51 का 1 भी फैक्टर बनता है और एक फैक्टर और बनता है 51 का, विच इज़ 3। क्योंकि 3 के जब हम 17 से मल्टीप्लाई करते हैं, आप करके देख लीजिए, 17 के जब भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 51 आता है। इट मीन्स 3 भी फैक्टर बन गया और 17 भी फैक्टर बन गया। तो जब भी 1 से 2 से ज़्यादा फैक्टर्स बनते हैं वो प्राइम नंबर नहीं होता, तो 51 प्राइम नंबर नहीं होगा।
37 देखिए, 37 भी हमारा क्या हो सकता है, एक प्राइम नंबर हो सकता है। वो कैसे? क्योंकि 37 का कोई भी फैक्टर नहीं होता, 1 और 37 के अलावा इसका कोई फैक्टर नहीं होता। इट मीन्स 37 हमारा प्राइम नंबर होगा। नेक्स्ट इज 26। 26 तो हमें पहले पता चल जा रहा है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है, तो इट मीन्स 1, 2, 13 और 26 इसके सारे फैक्टर्स बनेंगे, विच मीन्स ये कंपोजिट नंबर हुआ और ये प्राइम नंबर नहीं है। तो हमें सिर्फ वो बताना था जो इन चारों में से प्राइम नंबर होगा। तो कौन कौन से आया? एक ए आया और एक सी पार्ट आया, ठीक है। नेक्स्ट 9 क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। इसमें क्या कहा गया है, राइट 7 कॉन्सिक्यूटिव कंपोजिट नंबर लेस देन 100 सो दैट देर इज नो प्राइम नंबर बिटवीन दैम। हमें ऐसे 7 कॉन्जिक्यूटिव, मतलब कॉन्जिक्यूटिव का क्या मतलब होता है हिंदी में, लगातार। आपको 7 ऐसे लगातार कंपोजिट नंबर बताने हैं 100 से छोटे छोटे, सो दैट उनके बीच में कोई भी प्राइम नंबर नहीं आना चाहिए। देखिए लगातार का मतलब क्या है, जैसे आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लेते हैं ना, वो लगातार होती है। तो ऐसे ही आपको 100 से कम कम ऐसे 7 नंबर बताने हैं जिनके बीच में एक भी प्राइम नंबर नहीं आना चाहिए। तो देखिए ये थोड़ा सा रिमेम्बर कर लीजिए, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही पेयर 7 नंबर्स का ऐसा है 100 से कम कम, जिसमें कोई भी प्राइम नंबर नहीं आता, और वो कौन सा है, वो है 90 से लेके 97 तक। 91, 92, 93, 94, 95, 96 विच मीन्स 89 से लेके 97 के बीच में ये 7 कंपोजिट नंबर ऐसे हैं। ये सब कौन से नंबर है, कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो ये सब कंपोजिट नंबर ऐसे हैं जिनके बीच में एक भी प्राइम नंबर नहीं आता है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, बिटवीन बिटवीन 89 एंड 97 बोथ ऑफ विच आर प्राइम नंबर्स, देयर आर 7 कॉन्सिक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स। मतलब इनके बीच में 7 कंपोजिट नंबर्स आते हैं और उनके बीच में कोई भी प्राइम नंबर्स नहीं आता, जबकि 89 और 97 दोनों प्राइम नंबर है, लेकिन इनके जो बीच के नंबर्स हैं उसमें एक भी प्राइम नंबर नहीं आता, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट हमारा 10th क्या है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ 3 ऑड प्राइम्स। अब देखिए यहाँ पर भी हमें ऑड प्राइम्स नंबर लेने हैं, लेकिन कितने लेने हैं, 3 लेने हैं। मतलब 3 नंबरों को प्लस करके ऐसे आए कि 21 आ जाए आपका आंसर। वो तीनों नंबर्स क्या होने चाहिए, ऑड प्राइम्स होने चाहिए। जैसे आपने पहले 2 नंबर्स के लिए करा था ना, अब की बार वैसे ही 3 नंबर्स के लिए करना है। देखिए फर्स्ट में क्या है, 21, तो 21 हमारे पास कैसे आ सकता है जब हम 3 प्लस 7 और प्लस 11 करें। तो देखिए तीनों हमारे पास ऑड भी हैं और तीनों हमारे पास प्राइम भी हैं, ठीक है, ठीके? और इन तीनों को प्लस करेंगे तो 21 आ जाएगा। ऐसे ही 31 में ले लीजिए 5, 7 और 19। जब भी हम इन तीनों नंबर को प्लस करते हैं तो कितना आएगा, 31। ये याद रखिएगा, आप इससे कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन तीनों नंबर्स जो होने चाहिए वो ऑड प्राइम्स होने चाहिए। ऐसे 53 में ले लीजिए 3 प्लस 19 प्लस 31, तीनों ऑड प्राइम्स नंबर है और इनको प्लस करके कितना आएगा, 53। नेक्स्ट 61 के लिए ले लीजिए 11 प्लस 19 प्लस 31 और तीनों को प्लस करके कितना आएगा, 61। तो इट मीन्स हमने क्या किया है, इस बार हमें 3 लेने थे, कोई भी 3 आप डिजिट ले लीजिए, लेकिन तीनों जो डिजिट्स होनी चाहिए वो ऑड प्राइम्स होनी चाहिए। उन तीनों को प्लस करके हमारा जो आंसर 21, यहाँ पर 31, यहाँ पर 53, यहाँ पर 61। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, राइट 5 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20 हूज सम इज डिविजिबल बाय 5। आपको 5 पेयर ऐसे प्राइम नंबर्स के ऐसे 5 पेयर बनाने हैं जिनको हमारा क्या है प्लस कर, जिनको जो हमारे 20 से कम कम हो और जिनका जो सम हो, मतलब उनको जो प्लस करके आए वो हमारा एक 5, वो हमारा 5 से डिविजिबल होता हो। 5 से डिविजिबल का मतलब है वो 5 की टेबल में आता हो, तभी तो 5 से डिवाइड होगा, ठीक है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, जो आप पेयर बना रहे हैं वो प्राइम नंबर्स होने चाहिए। जैसे मैं पहला पेयर बनाती हूँ 2 प्लस 3, ठीक है। देखिए हमारे पास से पहला पेयर बनेगा 2 और 3 का पेयर बनेगा, दोनों ही प्राइम नंबर है, उनको प्लस करके क्या आ रहा है, 5। 5 जो है वो 5 से डिविजिबल है, हाँ यस, तो इट इज डिविजिबल बाय 5। तो ये हमारा 5 से क्या है, डिविजिबल होगा।
आपको इसी तरह के आपको पेयर बनाना है जिनको प्लस करके जो हमारा आंसर है वो 5 से डिविजिबल, मतलब 5 से डिवाइड होता हो। दूसरा पेयर हम बनाते हैं, दूसरा पेयर हमारा बन सकता है 2 और 13 का, तो 2 और 13 को प्लस करके क्या आएगा, 15। 15 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। तीसरा पेयर जो हम बनते हैं वो बनाते हैं 3 और 17 का, विच इज 20 एंड इज इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। नेक्स्ट इज 7 ले लेते हैं आपकी बार पहले और 13 ले लेते हैं बाद में, ये भी तो एक पेयर बन गया, इसको भी डिवाइड करके 20 आ रहा है, ये भी डिविजिबल है 5 से। देखिए जो भी आप यहाँ पर ले रहे हो वो 20 से कम कम आना चाहिए, क्योंकि हमसे ही बोला है ना 20 लेस देन, तो जो भी पेयर्स बनाने हैं वो 20 से कम बनने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बनाते हैं वो क्या है, 19 और 11 का, और 19 और 11 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 30। इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो बीच में हमारे 5 पेयर कौन कौन से बने हैं, देखिए लिख लीजिए, एक थे 2 और 3, दूसरा है 2 और 13, तीसरा पेयर बना 3 और 17 का, चौथा पेयर बना 7 और 13 का, पाँचवा पेयर बना 19 और 11 का। तो ये 5 पेयर हमारे बन गए हैं जो हमारे क्या है, लेस देन 20 भी हैं, और इनको जो प्लस करके जो हमारा सम आ रहा है वो डिविजिबल है किससे, 5 से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास 12 क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स, आपको फिल करना है। अ नंबर विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड आ, जिसके 2 ही फैक्टर आपको पता है, जिसके 2 ही फैक्टर होते हैं वो क्या होता है, प्राइम नंबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्राइम नंबर। अ नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, जिस नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं उसे क्या कहते हैं हम, कंपोजिट नंबर। हमने शुरू में डेफिनेशन में पढ़ा था ना ये, वन इज नाइदर डैश नॉर डैश। वन जो होता है हमारा एक नंबर ऐसा होता है वो ना तो प्राइम होता है ना ही वो कंपोजिट होता है, क्यों, क्योंकि देखिए वन का तो वन ही फैक्टर है, इसके अलावा तो कुछ नहीं है ना, तो प्राइम के तो 2 फैक्टर होने चाहिए, विट मीन्स प्राइम भी नहीं बना और कंपोजिट तो बनेगा ही नहीं जब एक ही फैक्टर है। तो द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज, प्राइम नंबर का मतलब है जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हों, तो सबसे छोटा कौन सा प्राइम नंबर होता है, वो होता है 2। द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, अब कंपोजिट नंबर में क्या होता है कि फैक्टर्स मोर देन 2 होने चाहिए, तो 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है, 4 आता है उसके बाद, तो 4 हमारा क्या होता है, कंपोजिट, तो 4 सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है। द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज, अब इवन नंबर की बात कही गई है, इवन नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं, तो सबसे छोटा 2 से डिवाइड होने वाला नंबर तो 2 ही है, 2 1 2 ही तो होता है। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, इस यहाँ पर हमारी 3.2 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।